गुड मॉर्निंग एवरी वन, श्रीहरि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड थर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का हेडिंग है गप्पो की दुकान। गप्पो मतलब जो एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते हैं, गप्पे मारते हैं, उसे गप्प कहते हैं। इस कविता में भी यही बताया गया है कि एक लड़का है जिसका नाम है लाल बुझक्कड़। वो एक गप्पों की दुकान खोलता है और बड़े बड़े गप्पे मार कर लोगों से पैसे कमाता है। अब ये कौन कौन से गप्पे मारता है, आइए इस कविता को पढ़कर हम जानते हैं। कविता के बारे में देखते हैं। गप्पे मारना सबको अच्छा लगता है ना, आप भी मारते हो ना। इस कविता में आप एक ऐसे लाल बुझक्कड़ से मिलेंगे जिन्होंने गप्पों की दुकान ही खोल ली है। वे केवल गप्पे ही नहीं मारते बल्कि गप्पों से पैसे भी कमाते हैं। इसमें क्या बताया गया है, लाल बुझक्कड़ ने गप्पों की दुकान खोल रखी है और गप्पे मारकर वो पैसे कमाते हैं। अब कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। लाल बुझक्कड़ जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वे गप सुनाते कर देते सबको हैरान। जिसने सुना वह दौड़ा आया इस दुकान के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक्चर बताया गया है, उसमें क्या है, वो लाल बुझक्कड़ है जो गप्पे मारते हैं, इस बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। लाल बुझक्कड़ जी ने एक गप्पों की दुकान खोली थी और वो नए नए गप्पे लड़ाते थे और जो भी उन गप्पों को सुनता वो दोबारा सुनने के लिए आ जाता था। इसी तरह से उनकी दुकान है वो चलती थी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। खबर आग की तरह फैल गई घर गलियां चौबारों में। लाल बुझक्कड़ गप्पे सुनाते, तरह तरह की बातें बताते। अब क्या होता, ये गप्पों की खबर थी, वो कहाँ कहाँ फैल गई, घर गलियों और चौबारों में, और लाल बुझक्कड़ गप सुनाते, वो तरह तरह की बातें करते थे। अब वो कैसे गप सुनाते थे, एक थी काली मोटी बिल्ली, चूहों से डर पहुँची दिल्ली। अब क्या कहता है, एक थी बिल्ली, वो कैसी थी, काली और मोटी, वो चूहों से डर कर पहुंची दिल्ली। एक शेर की करे सवारी, छोटी सी एक हिरनी प्यारी। हिरनी किसकी सवारी करती है, शेर की। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई देता है शेर के ऊपर कौन बैठा है, हिरनी। गधा बन गया बुद्धिमान, खुर से खूब खुजाता कान। गधा कैसा बन गया है, बुद्धिमान, अक्लमन बन गया है और खुर से खुजाता कान। खुर किसे कहते हैं, जो पशुओं के नख होते हैं उसे खुर कहते हैं। तो वो क्या करता था, खुर से खूब खुजाता था कान। पेड़ों पर तंग गई मछलियाँ, बंदर तैरे पानी में। अब क्या होता है, पेड़ों पर क्या है, मछलियाँ, टंग गई मछलियाँ और बंदर है वो क्या, कहाँ है, पानी में तैर रहे हैं। उछल उछल कर चले चींटियाँ, हाथी रेंगे डाली पे। नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी खूब दुकान। हाथी, अब चींटियाँ है वो उछल उछल कर चल रही है और हाथी पेड़ों की डाली पर झूल रहा है। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई देता है। उसके बाद लास्ट पंक्ति, गप्पों से ही नोट कमाए नहीं बेचते कोई सामान, वो सिर्फ गप्पों से ही पैसे कमाते थे, कोई सामान बेचते नहीं थे। ये किसने लिखी है, कल्पना शर्मा ने। तो आपको इस कविता में समझ में आ गया ना, लाल बुझक्कड़ ने किसकी दुकान खोली थी, गप्पों की, वो कैसे गप्पे लगाते थे, तरह तरह के, और
बिल्ली कैसी थी? काली, मोटी। और वो चूहों से डरकर कहाँ पहुंच गई? दिल्ली। और गधा, गधा कैसा बन गया? बुद्धिमान। वो क्या करता था? खुर से खूब खुजाता था कान। पेड़ों पर क्या टंग रही थी? मछलियाँ। और बंदर कहाँ तैर रहे थे? पानी में। उछल उछल कर चींटियाँ चल रही थी, और हाथी पेड़ की डाली पे रेंग रहा था। तो बुझक्कड़ है, वो ऐसे गप्पे लगाते थे और उनकी बातें सुनने दूर दूर से लोग आते थे, और इसी तरह उनकी दुकान चलती थी। ये तो यहाँ हमारी कविता है वो कंप्लीट होती है। अब हम कविता के शब्दों के अर्थ देखते हैं। जैसे कि हैरान, हैरान का अर्थ होता है चकित। फिर है खबर, खबर मतलब सूचना। चौबारो यानी चौपालो। गप मतलब बेकार की बातें। बुद्धिमान, अक्लमंद। खुर, पशुओं के नख। ये तो थे कठिन शब्दों के अर्थ। नाउ वी विल सी ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है अभ्यास। अभ्यास में हम सबसे पहले देखते हैं मौखिक प्रश्न, ओरली क्वेश्चन। अब ये प्रश्न के उत्तर आपको खुद लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लाल बुझक्कड़ ने किसकी दुकान खोली थी? किसकी दुकान खोली थी लाल बुझक्कड़ ने? कौन बताएगा? लाल बुझक्कड़ ने गप्पों की दुकान खोली थी। सेकंड क्वेश्चन, बिल्ली दिल्ली क्यों पहुंच गई? बिल्ली जो होती है वो दिल्ली क्यों पहुंच जाती है? चूहों से डर कर बिल्ली दिल्ली पहुंच गई। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धिमान कौन बन गया? गधा। गधा बुद्धिमान बन गया। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या लाल बुझक्कड़ सामान बेचकर नोट कमाता था? नहीं, लाल बुझक्कड़ नई नई गप सुनाकर नोट कमाता था। ये तो थे मौखिक प्रश्न। अब हम सही और गलत देखते हैं। फोर ऑप्शन है एक क्वेश्चन के, जो भी उस राइट है। थर्ड ऑप्शन है, जो भी राइट है इन तीनों में से उस पर राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग हैरान क्यों थे? क्यों हैरान थे सब लोग? गप्पे सुनकर और गप्पों की दुकान देखकर। ये दोनों उत्तर सही आएगा। सेकंड है, आग की तरह क्या फैल गया? सही उत्तर क्या आएगा? गप्पों की दुकान की खबर आग की तरह फैल गई। थर्ड है, शेर की सवारी कौन कर रही थी? क्या आंसर आएगा? हिरनी। हिरनी थर्ड ऑप्शन पे राइट करना है। फोर्थ है, कान कौन खुजला रहा था? गधा। क्या आंसर आएगा? गधा, उस पर राइट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे आपको कविता दी गई है, उसकी पंक्तियाँ पूरी करनी है। ये आपको होमवर्क में है, ये टेक्स्ट बुक में से देखकर आपको कंप्लीट करना है। सेकंड है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गप्पों की दुकान किसने खोली? ये तो सभी को आएगा, गप्पों की दुकान किसने खोली? किसने खोली थी? लाल बुझक्कड़ ने। क्या आंसर आएगा? लाल बुझक्कड़ ने गप्पों की दुकान खोली। सेकंड क्वेश्चन है, बिल्ली किससे डर गई? किससे डर गई बिल्ली? चूहों से। बिल्ली चूहों से डर गई। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धिमान बनने के लिए गधे ने क्या किया? क्या किया था? खुर से कान खुजला रहा था। हाथी क्या कर रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी क्या कर रहा था? हाथी डाली पर रेंग रहा था।
लाल बुझक्कड़ ने नोट कैसे कमाए? आंसर क्या लिखोगे? लाल बुझक्कड़ ने गप्पे सुना सुना कर नोट कमाए। उसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न, जैसे कि सही कथन के सामने ठीक का निशान लगाना है। फर्स्ट है, नीता का समय बर्बाद होगा। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। गप ऐसी बात को कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। नीता को अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करने से नीता को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपको राइट करना है। जैसे कि फर्स्ट है, नीता का समय बर्बाद होगा। क्या गप मारने से नीता का समय बर्बाद होगा, है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट पे राइट करना है। उसकी शक्ति बर्बाद होगी, इस पे भी राइट करना है। थर्ड है, उसके पैसे बर्बाद होंगे। गप मारने से पैसे बर्बाद होते हैं नहीं, तो ये रॉन्ग आएगा। फोर्थ है, लोग उसे बातों नहीं समझेंगे, ये राइट है। फिफ्थ, उसकी बात सुनकर सब हैरान होंगे, ये भी राइट करना है। उसकी पढ़ाई को नुकसान होगा, है ना, पढ़ाई को नुकसान हो सकता है, ये भी राइट करना है। थर्ड रॉन्ग आएगा, बाकी सब राइट है। काव्यांश पर आधारित प्रश्न, ये तो आपके जो आंसर है वो यहाँ पे बताए गए हैं। ये आपको आंसर लिखने हैं। थ्री आंसर मैंने दिए हैं, दो आंसर आपको खुद लिखने हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम देखते हैं काव्यांश पर आधारित प्रश्न। ये काव्य की लाइन दी गई है, उसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी दुकान, खूब दुकान, गप्पों से ही नोट कमाए, नहीं बेचते कोई सामान। ये फोर लाइन दी गई है, उसके आधार पर ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं। यह किसकी दुकान थी, दुकान खुली थी, वो किसकी थी, यह गप्पों की दुकान थी। उनकी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, उनकी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, लाल बुझक्कड़ के लिए। थर्ड है, दुकान चलने का अर्थ है, क्या अर्थ है दुकान चलने का, कि उनकी दुकान पर बहुत से लोग आते हैं या तो दुकान पर भीड़ रहती है। फोर्थ क्वेश्चन, समान और सामान शब्द के अर्थ लिखिए। समान मतलब इक्वल, बराबर, और सामान, सामान का अर्थ होता है वस्तुएं, चीज़ें जो हम लाते हैं वो। ये यहाँ पे दो अर्थ दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं भाषा से। भाषा से में सबसे पहले है वचन बदलिए। एक वचन दिए गए हैं, उसको आपको बहुवचन बनाने हैं, सिंगुलर प्लूरल। जैसे कि गप, गप एक गप लगाते हैं, एक को हम गप कहते हैं, एक से ज़्यादा हो तो गप्पे। चूहा चूहे, बिल्ली बिल्लियाँ, दुकान दुकाने। फिर है गधा गधे, गली गलियाँ, चींटी चींटियाँ, बात बातें, मछली मछलियाँ। इस तरह से आपको ये बहुवचन शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिया गया है, सबसे पहले है हैरान। हैरान से आपको एक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हो, जैसे कि विदेशी व्यक्ति ताजमहल देखकर हैरान हो, हैरान है। क्या है? विदेशी व्यक्ति ताजमहल देखकर हैरान है, या तो हैरान हो गया है। सेकंड है खबर, रुचि को यह खबर कर दो कि कल विद्यालय बंद रहेगा। विद्यालय मतलब स्कूल। रुचि को यह खबर कर दो कि कल विद्यालय बंद रहेगा।
थर्ड है वाक्य पूरे कीजिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक ये कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है लाल बुझक्कड़ ने गप्पों की एक नई दुकान खोली। फर्स्ट में आएगा ने और सेकंड में की। सेकंड है गप्पों की दुकान की खबर घर और गलियों में फैल गई। कहाँ फैल गई? गलियों में। थर्ड काली मोटी बिल्ली चूहों से डर कर भाग गई दिल्ली। काली मोटी बिल्ली चूहों से डर कर भाग गई दिल्ली। लाल बुझक्कर गप्पों से नोट कमाते है। ये तो थे फिल इन द ब्लैंक, हमें वाक्य पूरे करने हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये सारी एक्सरसाइज है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है और टेक्स्ट बुक में भी आपको जहाँ पे जगह दी गई है वहाँ पे भी कंप्लीट करनी होगी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखते हैं।